कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में पाताल में गड्ढे में जाएंगे। ये पृथ्वी लोक भी अभी ब्राह्मणों की दुनिया में साबित होता है या नहीं साबित होता है? साबित होता है। फिर तीसरा लोक है पाताल लोक। जो पाताल लोक में कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, वहां राक्षसों का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा, वहां कंट्रोल करने वाले भी राक्षसी स्वभाव के और कंट्रोल्ड होने वाले भी राक्षसी स्वभाव के। उनको कितना भी समझाओ कि देवता बनाने वाली श्रीमत ये है ये नहीं है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ब्राह्मणों की संगमी हुई दुनिया में तीनों ही लोकों की शूटिंग हो रही है। उन राक्षसों का स्वभाव संस्कार ऐसा है कि दूसरों को दुख देना, दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना, ये उनके स्वभाव संस्कार में उनके खून में भर गया है। वो इसको बुरा नहीं समझते। जैसे कोई कसाई के घर में पैदा हुआ बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने बाप का धंधा धोरी करता है तो उसे जानवरों को काटना, गाय को काटना पाप समझता है या अपना धंधा समझता है? धंधा समझता है। ऐसे ब्राह्मण भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। अभी ज्यादा संख्या उनकी बेसिक में है क्या? फिर ऐसा भी टाइम आएगा कि एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के धर्म के बीज यहां भी दिखाई देंगे। अभी उन बीजों का फाउंडेशन पड़ रहा है। क्या? लालने के पांव पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में ही एडवांस में भी वो चेहरे तैयार हो रहे हैं। न कोई बात न कोई चीत, भेद जरूर पैदा करेंगे, झगड़ा जरूर डालेंगे। दो दो बाप, चार चार बाप जरूर बनाएंगे, द्वैतवाद जरूर पैदा करेंगे। हाँ, पानी वानी तो पिलाते रहो। लंबा चौड़ा कोई शॉर्ट में करके दो। लिखा है प्रश्न पूछने की हमारे में ताकत नहीं है, इसलिए मैं चिट्ठी में लिख कर देता हूँ। ऐसा क्यों होता है?
एक चिट्ठी में एक ही कागज आया है भाइयों की तरफ से। क्या बाकी जो कागज आए हैं प्रश्न पूछने वाले वो सब किधर से आए हैं? माताओं कन्या की तरफ। माने प्रश्न में एक टांट है। क्या क्या टांट है? कि जो आमने सामने बाबा से नहीं पूछते हैं, सन्मुख होकर नहीं पूछते हैं, बरवली नहीं पूछते हैं, उनमें ताकत नहीं है। और हम में ताकत है, इसलिए हम बरवली मुंह से पूछते हैं। हमें चिट्ठी लिख करके देने की दरकार नहीं है। माने हम पावरफुल हैं और बाकी कमजोर है। तो इसमें नई बात क्या है? कलयुग में कन्याएं माताएं अबला कही जाती हैं या बलवान है? किसने बनाया अबला? है बाबा ने बनाया है? अबला बनाया किसने? जिन्होंने अबला बनाया द्रौपदी को अबला किसने बनाया है? वही दुर्योधन दुशासन ने अबला बनाया। वही दुर्योधन दुशासन टांट मारते हैं। नंगा कौन करते हैं बड़ी सभा में है? दुर्योधन दुशासन ही नंगा करते हैं। अगर ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों की दृष्टि कन्याओं माताओं के प्रति माता की हो, कैसी माता? कि हमारा बाप भगवान शिव है और ये कन्याएं माताएं शिव की शक्तियां हैं, हमारा इनके साथ इनके नाक कान पकड़ने का कोई संबंध नहीं है, क्या है? है नहीं है। हमारा तो इनके साथ बच्चे का संबंध है, क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है जो माताएं हैं उनको भी कन्या बना देता हूं और जो कन्याएं हैं उनको भी माता बना देता हूं। तो भाइयों की दृष्टि में वो भाव नहीं आया है। कौन सा भाव है? मात्र भाव नहीं आया है। अगर मात्र भाव आ जाए तो अबला साबित हो जाएंगे कि बलवान साबित हो जाएंगे? हैं? बलवान साबित हो जाएंगे। बलवान साबित करने के लिए प्रयत्न भी करने लगेंगे। और इंस्पिरेटिंग पार्ट है, इंस्पिरेटिंग पार्ट की ब्रह्मा सरस्वती वैसी आत्मा पार्ट बजा देना है। तो विरोधाभास करती है, प्रवेश करके विरोधाभास का काम करती है। हाँ, जब ज्ञान में संपन्न कोई आत्मा बनी है, चाहे एडवांस पार्टी की इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्मा हो, चाहे प्लानिंग पार्टी वाली आत्मा हो, और चाहे प्रैक्टिकल पार्टी वाली आत्मा हो, प्योरिटी वाली, तीनों प्रकार के जो एडवांस पार्टी के ग्रुप हैं उनमें कोई संपन्न बना है? है? तीनों प्रकार की आत्माएं संपन्न न होने के कारण
पुरुषार्थ में लगी हुई है या परिपूर्ण बन चुकी है? पुरुषार्थ में लगी हुई है तो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं जो है उनमें ये विशेष मादा है क्या इंस्पिरेट करने का, ये विशेष पावर उनमें है। क्यों है? क्योंकि स्थूल शरीर के बंधन में वो नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में भी समझने समझाने वाली आत्मा तो है या नहीं है? हा? आत्मा है या नहीं है? ज्ञान को समझने समझाने वाली आत्मा तो है ना। तो जो आत्मा है वो कभी ज्ञान को अधूरा समझती है और कभी ज्ञान को पूरा समझती है। जब पूरा समझती है तो सहयोगी है, आखिरी लास्ट में वो पूरा समझेगी या नहीं समझेगी? हैं? पूरा समझेगी। और बाप यही चाहता है कि जो बच्चा है वो मेरे से भी आगे जाए। तो जो भी इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं हैं वो प्लानिंग पार्टी वालों के लिए बच्चा बुद्धि है या नहीं? बच्चा बुद्धि है। तो उन बच्चा बुद्धियों को जब नहीं समझते हैं तो उन्हें माफ किया जाता है, नहीं समझते हैं तो इंटरफियर करके उल्टा उल्टा भी बोल देते हैं, और समझते हैं तो सहयोगी बनते हैं, हनुमान की तरह ऊपर उड़ा ले जाते हैं। आज भी दुर्भाग्य बाबा को कैसे करती है? हाँ जी, हाँ आखिरी जन्म को छोड़ के कलयुग में सच्चाई होती है, यह धर्मराज की तरह नहीं खाती है। द्वापर कलयुग में भी सच्चाई होती है, कुछ न कुछ तो होती है, यह धर्मराज की तरह नहीं खाते क्योंकि जन्म जन्म मानसिक सच्चाई का साथ दिया है। तीसरे जन्म में भी बाप से बाप सच्चे काम करिए बाप के साथ भी, और सच्चे का होने के कारण भगवान के आने के बाद भी उनको सद्बुद्धि ही मिलती है। बुद्धि की हजार नियामत उनको सबसे जास्ती मिलती है। आज जो है उत्तर में बाबा को प्रत्यक्ष भी करते हैं, आज जो है तो बाबा को प्रत्यक्ष भी करते हैं, दूसरी चीज ने बोला है। और श्रेष्ठ जगह में बाप के साथ लड़ते लड़ते विनर के टाइम में उनको विदेश में भेजा जाता है, लड़ते लड़ते बाप नहीं जाता है दूसरे धर्म में? बाप जाता है कि नहीं जाता है? अन्य धर्मों की राजाई स्थापन करने के लिए बाप जाता है या नहीं जाता है? अरे हाँ ना तो करो, जाता है। तो बाप के साथ जो बाप के अजीज बच्चे होंगे वो भी जाते हैं। बाप के साथ लड़ते थे बच्चे, ये कहाँ का? वो आपकी बुद्धि समझती है, यहाँ इतने बैठे हुए हैं वो हाथ उठवाएं तो कोई नहीं कहेंगे, वो आपने समझ लिया। आपकी बुद्धि इस तरह का कार्य करने वाली है, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि देखने में आती है। जब आठ हैं जो हर जन्म में बाप के सहयोगी हैं, सिर्फ लास्ट जन्म में माया की चक्करी में आ जाते हैं। जब फाइनल पेपर होता है माया और प्रकृति 100% मिल करके एक हो जाते हैं, माने रावण का पक्का स्वरूप हो जाता है। पांच विकार रावण के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
और 5 मंदोदरी के। मंद उदर वाली जो है मंद बुद्धि, माद्री भी नाम कह तो दिया है, तो वो 5 जो तत्व हैं, जड़ तत्व, जड़त्व में ही बुद्धि वाली जो मंदोदरी है प्रकृति, वो प्रकृति और वो माया दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, 100% मिलन हो जाता है, तब वो 8 हार जाते हैं। आखिरी जन्म में ये जरूरी है हारना या नहीं है, वो भी जरूरी है। अगर किसी के जीवन में अंधेरा नहीं होगा तो उजेला का कोई मूल्य नहीं होगा। अगर किसी के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आई तो वो अमीरी का कोई महत्व नहीं रखेगा। और योगेश्वर संगम में होता है या कलयुग के अंतिम जीवन में भी होता है? संगम की बात है। योगेश्वर जहाँ ईश्वर होगा वहाँ योगेश्वर होगा, और जहाँ ईश्वर प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। शूटिंग उनका कब हुआ होगा? अभी होगा। आदि में हारने का शूटिंग होता है कि नहीं? क्यों होता है? ज्ञान पूरा न होने के कारण हारने की शूटिंग होती है। तो आदि में होगा क्या? बच्चे की पैदाइश है, चाहे सत्युग त्रेता हो चाहे द्वापर कलयुग हो, आदि में पैदाइश सुख से होती होगी तो आदि मध्य अंत तीनों ही सुखी, और आदि में अगर दुख से होगी तो आदि मध्य अंत दुख आवेगा जरूर। और चाहे एक हो चाहे 8 हो, माया किसी को छोड़ती नहीं है, आज नहीं तो कल पकड़ में जरूर लावेगी। इसलिए माया को भी क्या टाइटल मिला है? सर्वशक्तिमान। और क्या कृष्ण को प्रत्यक्ष जन्म देने वाले माँ बाप आ जाओ, राजा को प्रत्यक्ष जन्म देने वाले माँ बाप आ जाओ। हाँ, कृष्ण को जन्म देने वाले कृष्ण के साथ होंगे, और राधा को जन्म देने वाले और प्रत्यक्ष करने वाले कहाँ होंगे? चंद्रवंश में होंगे। चंद्रवंश माने बेसिक पार्टी, और सूर्यवंश माने एडवांस पार्टी। क्या बेसिक पार्टी में और धर्मों की आधार मूर्त जड़े नहीं है? हैं? तो जो विदेशी धर्मों की आधार मूर्त जड़ रूप आत्माएं हैं वो राधा को प्रत्यक्ष करती है, और एडवांस पार्टी में जो और धर्मों के बीज हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस के मूल बीज हैं, वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और माँ बाप से बोला जा रहा है, माँ बाप बोले हैं
हैं हाँ, चंद्रवंशियों के माँ बाप चंद्रवंशी होंगे या और वंश के होंगे? राधा चंद्रवंशी, तो उसके माँ बाप भी चंद्रवंशी है। और कृष्ण सूर्यवंशी, तो उसके माँ बाप भी सूर्यवंशी होंगे। हाँ, गणेश का चेहरा जानवर जैसा दिखा दिया है, फिर गणेश ने जानवर जैसे काम करने वाले असुरों को मारा, इसका मतलब क्या है? अरे, लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? हाथी। ऐसे ही यहाँ दिखाया गया है कि असुरों को मारने के लिए भी आसुरी स्वभाव संस्कार वाला चाहिए, चाहे वो शक्ति स्वरूपिणी महाकाली हो, जगदम्बा हो, और चाहे पुरुष रूप में हो। और प्रश्न आया है, अंत में निकलती है ज्ञान गंगाएं, अंत में आने वाली आत्माएं ज्ञान गंगा का पार्ट बजाएंगी, ऐसे बोला ना है? अरे ये कुछ और बोला, ज्ञान गंगाएं निकलती हैं अंत में, वो गंगा का पार्ट बजाएंगी। तो पहले निकलने वाली आत्माएं जो बाबा के पास अभी बैठी हैं, वो ज्ञान गंगाएं नहीं है, अज्ञान गंगाएं हैं क्या? बताओ, भैया जवाब दो है। हेलो है, अंत में निकलेंगी ज्ञान गंगाएं। पहले वाली अंत में क्या, अंत में आएगी जो है? अंत में नहीं आने वाली, पहले से आएंगी, आधी से आएंगी। वो जो अंत में निकलेंगी उनसे पहले जो निकली हुई बैठी है वो तो अंत की है, और उनसे पहले ही जो निकली हुई बैठी है वो पहले की है कि अंत की है? पहले की है, पहले की है। तो क्या ज्ञान गंगाएं है? नहीं, ये क्या बात हुई? ये भी अज्ञान गंगाएं नहीं, ये भी ज्ञान गंगाएं हैं, वो भी ज्ञान गंगाएं हैं। फिर बड़े बड़े महंतों को, सन्यासियों को, पवित्र आत्माओं को उठाएंगी कौन? उठाने के निमित्त तो कौन बनेंगी? हाँ हाँ, ज्ञान गंगाएं अंत में प्रत्यक्ष होंगी। प्रत्यक्ष होकर के कुछ करेंगी या नहीं करेंगी? क्या करेंगी? जो उनका गायन है उन गंगाओं का, कि पतित पावनी, पतितों को पावन बना देंगी, तो क्या करेंगी? अपने किनारे जो बैठे रहने वाले हैं बाल बच्चे, उनको पहले सुना देंगी या दुनिया वालों को पहले सुना देंगी? किसको सुना देंगी? उन साधु सन्यासियों को जो उनके किनारे होकर के बैठते हैं, करीब में ही रहते हैं, उनको सुना देंगी ना? और वो साधु सन्यासी जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार है उनमें,
भले सच्ची पवित्रता के संस्कार हैं, लेकिन गृहस्थियों के मुकाबले उन्होंने ज्यादा पवित्रता धारण की है या नहीं की है? की है, तो उनमें पावर ज्यादा होगी या नहीं होगी? होगी। तो ज्यादा प्योरिटी की पावर होने के कारण वो संसार में नाम बाला कर देंगे। जो मुरली बोला है, जब सन्यासी निकलेंगे बड़े बड़े तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो जब ज्ञान गंगाएं निकलेंगी तब जीत हो जाएगी, या ज्ञान गंगाओं से भी पहले जो अभी अभी निकले हैं पहले वाले हैं, ठीक है, ज्ञान गंगा है। अज्ञान गंगा तो नहीं कहेंगे, लेकिन पवित्र आत्माओं को उठाने वाले भी है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इतनी ताकत नहीं है। क्या ताकत तो है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है जो भारतवासी कुंभकर्णों को, रावण में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा सच्चाई होती है, सच्चाई की ताकत रावण में ज्यादा होती है, चरित्र की ताकत रावण में ज्यादा होती है या कुंभकर्ण में ज्यादा होती है? हैं? कुंभकर्ण में चारित्रिक शक्ति ज्यादा होती है, प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। कुंभकर्णों के लिए शास्त्र में गायन है कि भले 6 महीने अज्ञान की नींद में सोते थे, लेकिन एक दिन के लिए भी जग गए तो सारी लंका को आग नहीं लगा देते थे। जो मन में आता है सो बोल देते, सारी लंका को सोने का बना देता था। कितना भारी परिवर्तन करता था। झंडा ऊंचा रहे हमारा तो बात है। तो जवाब क्या दिया जाए कि जो पहले निकलने वाले अभी बैठे हुए हैं, इनको ज्ञान गंगाएं कहें या अज्ञान गंगाएं कहें, अंत में निकलने वालियों के मुकाबले है? अभी परीक्षा बाकी है, माने गुंजाइश है, है? आगे आने वाली परीक्षा में पास हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। क्या आगे आने वाली परीक्षा में पास हो जाएंगे? लेकिन मुरली में ये बोला है, लंबे समय का जो पुरुषार्थ होता है वो अंत में काम आता है। तो जो लंबे समय का पुरुषार्थ है वो बार बार साइकिल चढ़ने के पुरुषार्थ में नीचे गिराने वाला है। अभी भी नीचे गिरते जा रहे हैं या ऊपर उठने का महसूसियत हो रही है? हैं? नीचे गिरते जा रहे हैं। कोई से भी पूछो, अमृत वेले से संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? ये की मजबूरी है, अमृत वेला नहीं सुधरता है। तो अब इस बात का जवाब क्या दिया जाए? नहीं तो वर्तमान में जितने बैठे हैं वो सब भाग जाएंगे, हैं? परीक्षा क्या? नहीं, उसका जवाब आपने कुछ पकड़ा था, कुछ जवाब दिया भी था, फिर सबकी लहर में आकर के वाइब्रेशन आपका भी चेंज हो गया। इसका जवाब ये है कि जो ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी वो अंत में निकलने वाली ज्ञान गंगाएं बेसिक के भी आदि में निकली थी और एडवांस के भी आदि में निकली थी। उस समय की निकली हुई जो
ज्ञान गंगाएं थी उनमें से अभी यहाँ एक भी नहीं बैठा हुआ है। कोई बैठा हुआ हो तो हाथ उठा दे, चाहे सरेंडर चाहे नॉन सरेंडर। चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, पहले सतो प्रदान होता है या पहले तमो प्रदान होता है? पहले सतो प्रदान होता है। तो उन ज्ञान गंगाओं ने आज से आज के पीरियड में बेसिक में चाहे एडवांस में सतो प्रधान स्टेज का ज्ञान लिया था और एक से लिया था। क्या देने वाला भी एक था, तो सात्विक स्टेज थी उस समय। बीच में कुछ कारण या कारण बिखर गए, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते निकल आते हैं। अभी जो निकले बैठे हैं उनको पहले वाला कहेंगे तो, लेकिन इतना पहले वाला नहीं कहेंगे जितनी आज की निकली हुई ज्ञान गंगाएं थी। एकदम आदि का कहेंगे या फिर भी अभी मध्य का कहेंगे? हाँ, मध्य का ही कहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं कि ज्ञान गंगाएं नहीं है, वैसे भी बाबा ने बोला है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, तो एडवांस ज्ञान जो है वो विदेश में फैला है, दक्षिण भारत वासियों में ज्यादा फैला है या उत्तर भारत वासियों में फैला है? दक्षिण भारत वासियों में फैला है। तो जो दक्षिण भारत वाले हैं वो इस जन्म में इस शरीर से जिनकी संख्या ज्यादा है वो विदेशी की लिस्ट में है इस जन्म में। कोई जरूरी नहीं है कि पिछले जो 62 जन्म हुए हैं उनमें भी वो विदेशी रहे हो, जरूरी है? ये कोई जरूरी नहीं। माने आत्मा विदेशी स्वदेशी नहीं होती है, शरीर विदेशी या स्वदेशी होता है। तो अभी भी जो बाबा के पास हैं ऐसे भी नहीं कह सकते कि 100% ज्ञान गंगाएं हैं, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि ज्ञान गंगाएं नहीं है, मीडियम है भी और नहीं भी है। प्रश्न आया है अष्टदेवों का पद सतयुग के लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचा पद है, है या नहीं है? हा? क्यों? क्यों ऊंचा है? हाँ, क्योंकि वो रचयिता की कैटेगरी के हैं, और शत्रु में जो लक्ष्मी नारायण होंगे वो उनकी रचना की कैटेगरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी 84 जन्मों में जो रचयिता हुआ है वो ज्यादा पावरफुल हुआ है, और रचना पीढ़ी दर पीढ़ी
कम पावर की होती जाती है। तो पूछा है कि फिर सतयुग में अष्टदेवों का क्या पार्ट होगा? अरे सीधी सी बात है, हर जन्म में किसी का ऊंचा पार्ट होना चाहिए। हर जन्म में कोई एक आत्मा का ऊंचे से ऊंचा पार्ट होता रहे तो ये ठीक बात है क्या? है नहीं, सदा एक साथ समय किसी का किसी ने आज तक देखा नहीं है। समय जरूर पलटता रहता है, सुना भी नहीं है देखा भी नहीं है। समय परिवर्तनशील है, इसलिए पद भी परिवर्तनशील है। नौ जन्म है ऊंचे से ऊंचे सतो प्रधान स्टेज के, और 12 जन्म है मीडियम सुख के। कितने हुए? 21 जन्म। जो ऊंचे से ऊंचे 9 जन्म है सतयुग के, उनमें कोई पहले जन्म में ऊंचा बन गया तो आगे आने वाले जन्म में उसे आत्मा को नीचे गिरना चाहिए या ऊंचा उठना चाहिए? नीचे गिरेगा, ऐसे थोड़े हर जन्म में ऊंचा होता रहे। सतयुग के आदि में राधा कृष्ण वाली आत्माएं ऊंची स्टेज वाली है, तो क्या चौथे पांचवें दूसरे या आठवें जन्म में भी वो ऊंची बनी रहेंगी? बनी रहेंगी या नीचे उतरेंगी? नीचे उतरती जाएंगी। इतना नीचे उतरेंगी कि सतयुग के अंत में जो आखिरी नारायण होगा वो तो नारायण का पद वाला होगा, महाराजा होगा, और जो राधा कृष्ण वाली आत्माएं हैं वो राम सीता को जन्म देने वाली बनेंगी। तो प्रजा की कैटेगरी में होंगी या राज परिवार में होंगी? है, अरे राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, आखिरी जन्म में जो बताया है कि नारायण राम से लोन लेगा और लोन लेकर के अपनी राजाई चलाएगा। तो राम साहूकार होगा या नहीं होगा? और बचपन से ही साहूकार घराने में होगा या राजा के घराने में होगा? है, साहूकार घराने में होगा। तो राधा कृष्ण वाली आत्माएं वो भी आखिरी जन्म में सतयुग के अंत में आकर के प्रजा वर्ग में चली जाती है, भले साहूकार प्रजा बनेंगी। तो अष्टदेवों का भी यही हाल है। जगदम्बा के बारे में भी प्रश्न करते हैं कि सतयुग में जगदम्बा का क्या पार्ट होगा? क्या प्रश्न आता है कि नहीं बुद्धि में? है, सबको नहीं आता है, कोई कोई को आता है कि सबको आता है? है, कोई कोई को आता है, सबको नहीं आता है, क्योंकि जगदम्बा की कैटेगरी को पसंद करने वाले सब तो नहीं हो सकते। है, जो उस कैटेगरी के होंगे उनको ये प्रश्न आएगा कि बिचारी जगदम्बा को सतयुग में क्या प्राप्ति होगी, वो तो बाबा ने कहीं बताया ही नहीं। अच्छा, संगम युग में क्या प्राप्ति होती है?
तेज होती है, राजमाता है। आज भी परिवारों में ये परंपरा चल रही है संगम युग की कि परिवारों में एक होती है राज लक्ष्मी मानी जाती है, घर में लक्ष्मी आई है। और जो सास होती है वो क्या मानी जाती है, राज माता मानी जाती है। किसको किसके अंडर में रहना पड़ता है? जो लक्ष्मी है उसको राज माता के सास के कंट्रोल में रहना पड़ता है, उसको मान्यता देनी पड़ती है। अगर मान्यता नहीं देती है तो उसे विदेशी सभ्यता वाला समझा जाता है या स्वदेशी सभ्यता वाला समझा जाता है? विदेशी सभ्यता वाला समझा जाता है। ये परंपरा कहां से पड़ी? संगम युग से परंपरा पड़ी। माना संगम युग में जगदम्बा जब मान मर्तबा भोग लेगी, इतना मान मर्तबा भोगेगी जितना बेसिक ज्ञान में बड़ी से बड़ी दीदी दादियों ने भी नहीं भोगा होगा। बड़ी से बड़ी दीदी दादी का नाम क्या था जिसको बहुत मान मर्तबा मिला? मुरली में भी बोला, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। बाबा से भी मान मर्तबा मिला तो दुनिया से, और दूसरे ब्राह्मणों से मान मर्तबा जरूर मिलना था, मिला। और वो जो मान मर्तबा मिला वो मान मर्तबा सिर्फ विदेशों में जाकर के या भारत में ही आकर के अखबारों में वर्ल्ड मदर का मर्तबा मिला या प्रैक्टिकल में वर्ल्ड मदर थी अखबारों में मिल गया, पैसे दिए भाई। क्रिश्चियन गवर्नमेंट क्या करती थी? बड़े बड़े राजा हैं जिनको राजाओं का लकब देती थी, उनसे पैसे लिए और महाराजा का लकब दे दिया। तो उनको सिर्फ मर्तबा मिला, झूठा, सच्चा नहीं मिला। लेकिन जो बेसिक नॉलेज में बड़ी बड़ी दीदी दादियां हैं उनकी भी कोई अम्मा है या नहीं है? अरे सारी ब्रह्मा कुमारियों की कोई अम्मा है या नहीं है प्रैक्टिकल में? और यज्ञ के आदि में थी या नहीं थी? आदि में भी थी तो अंत में भी प्रत्यक्ष जरूर होगी, प्रत्यक्ष भी होगी। और उसके अंदर ये तीव्र इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि मुझे दीदी दादियों से भी ज्यादा मान मर्तबा मिलना चाहिए? है नहीं होनी चाहिए? क्यों क्यों होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में भी मान मर्तबा भोग करके आई है, मान मर्तबा भोगने के उसके संस्कार थे, तो इस जन्म में भी वो संस्कार आते जरूर है। तो एडवांस पार्टी में भी मान मर्तबा इतना बढ़ेगा कि सिखों में आज भी गायन है राज करेगा खालसा। खालसा माने पवित्र। एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल बाबा ने ही दे दिया, क्या करा है? दे दिया कि नहीं दे दिया? तो उनके तो खालिस होने की बात है या नहीं है? है वो असली खालसा कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? है नहीं कहे जा सकते। अब रह गई कन्याओं माताओं में बात, तो कन्याओं माताओं में भी
एक है सरेंडर्ड और एक है नॉन सरेंडर्ड, एक है घरगस्त के कीचड़ में रहने वाली और एक है आश्रम के पवित्र वातावरण में पलने वाली। तो ज्यादा प्योरिटी की पावर किन में रहती है? जैसे गुलजार दादी थी पवित्र वातावरण में पली तो पवित्रता की ताकत रही ना, तो पवित्रता की ताकत वाली में शिव प्रवेश नहीं किया। किसने प्रवेश किया? मनुष्य आत्मा से प्रवेश करती। ऐसे ही वो तो हद की गुलजार दादी हुई जिसने बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में गुले गुलजार किया। अभी गुले गुलजार दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दुनिया वालों को? दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसकी भी कोई असली अम्मा है गुलजार दादी, जो आगे चल करके बड़े भारी ब्राह्मण परिवार को 4.5 लाख का एक चूल्हे पर खाना होगा, ऐसे बड़े परिवार को गुले गुलजार करेगी दुनिया के अंदर, पालना करेगी। तो संगम युग में बड़े से बड़ा मर्तबा किसका होता है? बड़ा बड़ा मर्तबा होता है। तो एक जन्म में प्राप्ति कर लेगी ब्राह्मणों के, ब्राह्मण सो देवता बनने के बाद 9 जन्म ही सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सतयुगी जन्म कहे जाते हैं। 9 जन्मों में से पहले जन्म में सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया तो क्या जगदम्बा सतयुग के हर जन्म में ऊंचा पद पाती रहेगी? नहीं, नीचे गिरेगी। नियम तो ऐसा ही है कि सतयुग के आदि में जो ऊंच पद पावेगा वो द्वापर के आदि में भी ऊंच पद पावेगा, त्रेता के आदि में जो ऊंच पद पावेगा वो कलयुग के आदि में भी ऊंच पद पावेगा। ओम शांति।